नाउ वट विट वुड बी द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ वॉच परचेज एट रुपीज थ्री एटी ओके सो दैट आफ्टर गिविंग फाइव परसेंट डिस्काउंट देर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट ठीक है सो वट वुड बी द प्रिंटेड प्राइस प्रिंटेड प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है ओके एंड परचेज परचेस्ड का मतलब है जो दुकानदार ने बेचा उसे ठीक है उतने में तो खरीदा सो एस पी इज गिवन थ्री एट्टी रुपीज़ ओके एंड डिस्काउंट इज गिवन फाइव परसेंट ओके सो बाय नोइंग दिस थ्री थिंग्स वी कैन इजली कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर फाइव एम पी आपको नहीं पता एस पी है थ्री एट्टी रुपीज़ ओके okay, और डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट इज डिस्काउंट डिस्काउंट इज फाइव परसेंट ठीक ठीक है सो द डिस्काउंट इज फाइव परसेंट ठीक है कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे एसपी इज अ फंक्शन ऑफ एमपी ठीक है इन टू फाइव परसेंट डिस्काउंट को मैं सीधा लिखूंगा नाइंटी फाइव परसेंट ओके और परसेंट को वैल्यू में चेंज करने के लिए अपॉन हंड्रेड ओके तो डायरेक्टली कर सकते हैं फॉर्मूला क्या यूज होता है इसके लिए फंक्शन हंड्रेड माइनस डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड दिसम पी मुझे निकालना है दिस विल बी हंड्रेड माइनस डिस्काउंट हंड्रेड माइनस फाइव यू नाइन ओके अपॉन हंड्रेड सो दिसम्स टाइम्स so the so mp will be is equal to 380 into 20 upon 19 so 19 20 mp will be 400 rupees acha people are saying see people they are saying sir the answer will be 500 ठीक है इसको आप इस तरीके से देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चे देखो ये भी ये जो context है इसको आपको समझना पड़ेगा ठीक है परचेज एट रुपीज थ्री एट्टी का मतलब सीपी लेंगे आप बोलोगे सर वो तो सी पी है थ्री एट्टी ठीक है और प्रॉफ़िट कितने का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट का ठीक है प्रॉफिट कितने का होना चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए ठीक है और तो यहाँ से एस पी कितना जाएगा एस पी इज़ अ फंक्शन ऑफ सी पी थ्री एट्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट का मतलब है वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल एंड दिस विल बी फाइव टू टाइम्स एंड फाइव टू ज टेन फाइव फाइव जैंड टू विल बी हम टू वन ज टू एंड टू नाइनटीन नाइन टू जटीन ओके सो एस पी विल कम नथिंग बट नाइनटीन इंटू ट्वेंटी फाइव और यहाँ से आप एम पी निकालोगे अब डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट तो है फाइव परसेंट ओके सो एम पी कैसे आ जाएगा आपको पता है एस पी इज़ अ फंक्शन ऑफ एम पी फाइव परसेंट डिस्काउंट इज नाइंटी फाइव अपॉन हंड्रेड एस पी इज नाइनटीन इंटू ट्वेंटीट इंटू नाइन्टी फाइव बाई हंड्रेड ठीक है तो यहाँ से एम पी कितना जाएगा एम पी विल कम दिस विल्वेंटी दिस कैंसिल और एम पी विल्वेंटी एंड इट विल गोइंग टू कम फाइव हंड्रेड रुपीज़

अगर उस वॉच को थ्री एट्टी रुपीज में खरीदा गया हो और उसमें पांच परसेंट का डिस्काउंट दिया गया हो और पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट भी हो रहा हो ठीक है ओके सो सो द द सो दुपीज फाइव हंड्रेड ओके दिस विल नॉट टेक एस पी दिस विल बी नथिंग बट सी पी ओके थ्री एट्टी रुपीज इसको आपने शॉपकीपर के कंटेक्स में करना है इसको आप आपने कंज्यूमर के कंटेक्सट में नहीं करना अगर आप उसे कंज्यूमर के कंटेक्सट में देखोगे तो देन यू विल फील की Okay, so this one is wrong. Okay.